उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी कांग्रेस प्रत्याशी राकेश सचान के समर्थन में वोट की अपील करने पहुंची। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी फतेहपुर के खागा कस्बे में आयोजित चुनावी जनसभा को संबोधित किया और इसके बाद गाजीपुर कस्बे में आयोजित जनसभा को भी संबोधित करने पहुंची और इस दौरान उन्होंने एक तरफ जहां कांग्रेस के घोषणा पत्र को भी किसान गरीब के लिए यहां पर हितकारी बताया और वहीं दूसरी तरफ यहां पर बीजेपी के पिछले वादों को भी जमकर हमला बोला और कहा है कि प्रधानमंत्री जी यहां पर झूठ का प्रचार कर रहे हैं और आपके खाते में 15 लाख रुपए, हर साल 2 करोड़ रोजगार, किसान की उपज दोगुनी की बात कही थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ है और साथ ही 5 सालों में बनारस में किसी के घर नहीं गए, ना हालचाल लिया और केवल बड़े बड़े अभिनेताओं के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं। मजबूत है, इतना पैसा है भाजपा के पास कि इतना फैलाया हुआ इसका प्रचार है कि मैंने भी सोचा था कि वाराणसी जाऊंगी, खूब तरक्की देखूंगी। मैंने सोचा था मैं वाराणसी के लोगों से मिलूंगी तो मुझे पता चलेगा कि प्रधानमंत्री जी आते हैं, मिलते हैं। लेकिन आश्चर्य हुआ जब मैं वहां गई और मुझे पता चला कि 5 सालों में भाषण देने जरूर आए हैं, ऐसे बड़े बड़े भाषण मीटिंग में जरूर आए लेकिन किसी की घर नहीं गए, किसी के हाल चाल नहीं। आज भी आपने देखा होगा कि एक बड़े फिल्म के अभिनेता के साथ बातचीत कर रहे हैं, वो अभिनेता मुस्कुरा रहा है, उनके सामने शर्मा रहा है। मेरे मन में आया यही आधे घंटे की बात अगर उत्तर प्रदेश के किसी भी किसान से कर लेते तो पता चल जाता कि तुम्हारी सरकार ने किस तरह का।